विभिन्न माध्यमों को मंच पर प्रदर्शित करने वाली। हमेशा जब मिनिएचर पेंटिंग देखती थी, स्टैचू देखती थी, तो मैं कैप्चर करती थी उनको स्टेज में। नृत्य, संगीत, रंगमंच के विभिन्न आयामों को स्वयं जीने वाली। जब सबसे पहले मैंने मेरा एक एक्सपेरिमेंट ऑन समथिंग न्यू वो था चक्रव्यूह। लेखिका, फोटोग्राफर, कला संयोजक शोभा दीपक सिंह से मुलाकात कार्यक्रम तेजस्विनी में। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना समीक्षोपवेशनं विहितम्। प्रधानमन्त्रिणा मोदिना अप्रैल मासस्य षट् दिनांकतः चतुर्दश दिनांकं यावत् विशेषाभियानं प्रचाल्य संक्रमण नियमानां कठोरतया परिपालयितुम् उक्तम्। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना समीक्षोपवेशने पञ्चसूत्राणाम् उपरि कार्याणि आचरितुम् विशेषावधानाय च जनाः निवेदिताः। उक्तं च यदा वयं गंभीरतायाः प्रतिबद्धतायाः आचरणं कुर्मश्चेत् महामार्याः प्रसारणावरोधः शक्यते। महाराष्ट्रे सप्ताहांत जनावरोधः। राज्ये सायं अष्टवादनात् प्रातः सप्तवादनं यावत् जनावरोधः भविष्यति। जम्मू कश्मीरे संक्रमणस्य स्थितिम् अवलोक्य विद्यालयाः प्रथमकक्षातः नवमी कक्षा पर्यन्तं अप्रैल मासस्य अष्टादश दिनांकं यावत् पिहितुं निर्णयः स्वीकृतः। गृहमन्त्रिणः अमितशाहस्य नक्सलाक्रमणे वरिष्ठान्तरिक सुरक्षाधिकारिभिः साकं उच्चस्तरीयोपवेशनम्। कथितं च सैनिकानां बलिदानं व्यर्थः न भविष्यति। आक्रमणे द्वाविंशति सैनिकाः दिवंगताः। पोलैंड देशस्य ह्यूबर्ट हुरकेजः मियामी ओपन इति टेनिस स्पर्धां विजितवान्। अंतिम स्पर्धायां इटली देशस्य जैनिक सिनराय एकस्मिन् संघर्षपूर्ण द्वन्द्वे 7-6, 6-4 इत्यंकैः पराजितम्। एटीपी मास्टर्स इवेंट इति स्पर्धाचक्रम् आद्य विजेता पोलैंड देशीय क्रीडकः। अभिवादये, अहमस्मि सत्यप्रिया। अह अत्र भवतां भवतीनां च स्वागतम् डीडी न्यूज वार्ता प्रसारणे अस्मिन् अथ वार्ताः। देशे वर्धित कोरोना संक्रमणानन्तरं प्रशासनम् अधिक सतर्कतया आचरति। ह्यः स्वयमेव प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना समीक्षोपवेशनं विहितम्। एवञ्च पञ्चसूत्राणाम् उपरि कार्याणि आचरितुं विशेषावधानाय च आदिष्टम्। अस्मिन् उपवेशने निश्चितं यत् महाराष्ट्र पंजाब छत्तीसगढ़ राज्येषु केन्द्रीय दलानि गमिष्यन्ति, एवञ्च स्थितीनां समीक्षां विधास्यन्ति। प्रधानमन्त्रिणा मोदिना अप्रैल मासस्य षट् दिनांकतः चतुर्दश दिनांकं यावत् विशेषाभियानं प्रचाल्य संक्रमण नियमानां कठोरतया पालन विधातुं उक्तम्। अशेषे हि देशे अधुना यावत् 60,00,000+ जनानां सूच्यौषधीकरणम् अभवत्। विश्वस्य बृहत्तम सूच्यौषधाभियाने केवलम् 78 दिनेषु एव 7.5 कोटि सूच्यौषध प्रापय्य भारतेन नूतनं कीर्तिमानं स्थापितम्। महाराष्ट्रे कोरोना संक्रमणस्य प्रकोपः सततं विवर्धते। अत्र संक्रमणगत्या रविवासरे अधुना यावत् प्राप्त सर्ववृत्ताभिलेखाः भञ्जिताः। गतचतुर्विंशतिहोरासु महाराष्ट्रे 57,000 नूतन प्रकरणानि समक्षमायान्ति आयातानि। तत्रैव अस्याः महामार्याः कारणात् 22,00,000+ जनाः प्राणान् अत्यजन्। परं रविवासरे 80,00,000+ जनाः स्वास्थ्यलाभम् अवाप्तवन्तः। राज्ये संक्रमण प्रकरणानि विवर्धनं निध्याय मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे इत्यस्य अध्यक्षतायां मंत्रिमण्डलीयोपवेशनम् अभवत्। राज्ये सायं अष्टवादनात् प्रातः सप्तवादनं यावत् जनावरोधः भविष्यति। प्रशासकीय कार्याणि अपि 50% मितक्षमतया चलिष्यन्ति। मुंबई शहर में और महाराष्ट्र में केसेस बढ़ रहे हैं, उसको ध्यान में रखते हुए बहुत ही कड़क
गाइडलाइंस जो है मुंबई और महाराष्ट्र के लिए हमने लागू की है, रात के 8 बजे से सुबह के 7 बजे तक का कम्प्लीटली नाइट कर्फ्यू जैसा रहेगा, जिसमें खाली एसेंशियल सर्विसेज की गाड़ियां को चलाने की परवानगी रहेगी। दिन में सारे ट्रांसपोर्टेशन चलेंगे, सारी एसटीज, बसेस, सारी चीजें चलेंगे, रिक्शाज चलेंगे, टैक्सीज चलेंगे, लेकिन रिक्शा में एक ड्राइवर प्लस दो उनके साथ पैसेंजर्स होंगे। टैक्सी भी जो है 50% के हिसाब से चलेगी। बसेस के अंदर खड़े होकर सफर करना मना है, जितनी सीट्स है उतनी सीट्स ही अलाव की जाएगी। प्राइवेट जो बसेस है उसके लिए भी ये कानून रहेगा। बाकी अगर आप देखने जाएंगे तो हॉल्स, मॉल्स, रेस्टोरेंट्स में जो है 8 बजे के बाद पहले भी बंद था, दिन में भी जो है उनको आरटीपीसीआर टेस्ट करवानी होगी, उसके बाद ही वो खोल पाएंगे। उसके अलावा धार्मिक स्थलें जो हैं, चाहे मस्जिद, मंदिर, गुरुद्वारा, इसमें जो मौलवी हो गए या जो पंडित हो गए या गुरुद्वारे में जो भी धार्मिक स्थलों के अंदर जो पुजारी होते हैं और उनके साथ जो कर्मचारी थे, सिर्फ इन्हीं लोगों को अलाउ किया जाएगा। फिल्म शूटिंग्स में बड़ी शूटिंग्स को अलाउ नहीं किया है, जहां पे डांस हो, फाइट सीक्वेंस हो, या जहां 200-300-400 लोगों की जहां एक जा जमदड़ हो, वैसी शूटिंग्स को अलाउ नहीं किया गया है। छोटे नंबर्स ऑफ शूटिंग्स में क्लोज यूनिट के अंदर वो अपना शूटिंग कर सकते हैं, लेकिन उनके ऊपर भी आरटीपी का कानून लागू रहेगा। दिल्ल्यां कोविड 19 इत्यस्य 33 चतुस्सहस्र नूतन प्रकरणानि प्राप्तानि। प्रकरणानि एतानि राष्ट्रीय राजधान्यां गतवर्षस्य दिसंबर 4 दिनांकात् सर्वाधिकानि सन्ति। सममेव संक्रमित जनानां संख्या 14,4,670,600+ संजाता। तत्रैव साम्प्रतं यावत् 81,11,000 जनाः अस्मात् संक्रमणात् मृताः। केन्द्रशासित प्रदेशे जम्मू कश्मीरे संक्रमणस्य स्थितिम् अवलोक्य विद्यालयाः प्रथम कक्षातः नवमी कक्षा पर्यन्तम् अप्रैल मासस्य 18 दिनांकं यावत् पिहितुं निर्णयः स्वीकृतः। तत्रैव दशमी कक्षातः द्वादशी यावत् अप्रैल मासस्य 11 दिनांकं यावत् विद्यालयाः पिहिताः सन्ति। उत्तर प्रदेशे वर्धित संक्रमण प्रकरणानि अवलोक्य राज्य प्रशासनेन कोविड चिकित्सालयेषु चिकित्सान्वीक्षणे सुविधानां वर्धनं कृतम्। प्रशासनेन जनेभ्यः कोरोना संक्रमण संबद्धान् दिशानिर्देशान् पालयितुं निवेदनमपि विहितम्। मध्यप्रदेशस्य मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहानः देशे संक्रमण प्रकरणानि निध्याय उक्तवान् यत् मध्यप्रदेशस्य सीमवर्ती राज्यानां स्थितिः भयावहः वर्तते, येषु महाराष्ट्र छत्तीसगढ़योः स्थितिः संकटपूर्णास्ति। तेनोक्तं यत् अस्माभिः महाराष्ट्रस्य सीमा पिहिता। महाराष्ट्र की सीमा को हमने सील किया है, छत्तीसगढ़ से आने जाने पर भी प्रतिबंध लगेगा। मानवीय दृष्टिकोण से जिनका आना जाना जरूरी है उतना आना जाना होगा और सामान की आवाजाही होगी, जो वस्तुएं लेकर ट्रक्स आते हैं। मेरी अपील है अनावश्यक इन राज्यों में ना जाएं, लेकिन संक्रमण रुके इसलिए कुछ प्रयास करने जरूरी है। वहां से जो आएंगे और उनका आना आवश्यक है तो पूरी तरह से जांच करके जरूरत पड़ेगी तो उनको आइसोलेशन में रखेंगे, लेकिन आम आवाजाही बंद होगी। छत्तीसगढ़े नक्सल आक्रमणस्य अद्यापि विशेषान्वीक्षण अभियानं सततं प्रवर्तते। अस्यां घटनायां 22 वीरभटाः दिवंगताः, तत्रैव अधिकसंख्यायां नक्सलजनाः अपि मृताः। अस्यां घटनायां 31 सैनिकाः व्रणिताः, येषु 24 सैनिकाः बीजापुरस्थ चिकित्सालये, 7 च रायपुर चिकित्सालये प्रेषिताः। गत 10 दिवसेषु संजात द्वितीय नक्सलाक्रमणानन्तरं सुरक्षोपायानां समीक्षायै उपवेशनम् अभवत्। तत्रैव घटनायां राष्ट्रपतिना, प्रधानमन्त्रिणा, गृहमन्त्रिणा च शोकः प्रकटितः। गृहमंत्री अमित शाह नक्सलाक्रमणे दिवंगत सैनिकेभ्यः श्रद्धांजलयः वितरितान्। तेन कथितं यत् तेषां बलिदानं व्यर्थः न भविष्यति। अत्रांतरे अमित शाह नैर्वाचनपरयात्रां स्थगयित्वा दिल्लीं प्रत्यागच्छत्। दोनों ओर का नुकसान हुआ है, हमारे जवान शहीद हुए हैं, मैं उन सभी जवानों को श्रद्धांजलि भी देता हूं और उनके परिवारजनों को और देश को इतना विश्वास दिलाना चाहता हूं
कि जवानों ने अपना खून जो देश के लिए बहाया है वो व्यर्थ नहीं जाएगा। हमारी लड़ाई और मजबूती के साथ और मक्कमता के साथ और तीव्रता के साथ इन नक्सलियों के खिलाफ चालू रहेगी और हम इसको परिणाम तक ले जाएंगे। रूस देशस्य विदेश मंत्री सर्गेई लावरोवः भारतस्य द्विदिवसीय यात्रार्थम् अद्य नवदिल्लीं सम्प्राप्स्यते। विदेश मंत्रालयस्य प्रवक्ता अरिंदम बागची इत्यनेन प्रोक्तं यत् यात्रेयं द्विपक्षीय संबंधान् सुदृढीकर्तुं महत्वपूर्णं वर्तते। अत्र भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलनस्य सज्जतायाः समीक्षामपि भविष्यति। स्टैंडअप इंडिया इति योजनान्तर्गतं केन्द्र प्रशासनेन पंचवर्षात्मक काले षट्शीत्यधिक पंचशतोत्तर पंचविंशति सहस्र कोटि रूप्यकाणां राशि स्वीकृता। अयं राशि चतुर्दशोत्तरैक लक्षाधिकोष लेखासु न्यासीकृतः। योजनायं षोडशाधिक द्विसहस्रतमे वर्षे प्रारब्धा आसीत् एवञ्च पंचविंशत्यधिक द्विसहस्रतम वर्षं च यावत् प्रचलयिष्यति। योजनायामस्यां महिलासु अनुसूचित जनजातिषु च उद्यमितायाः विस्तारः इति उद्देश्यो वर्तते। स्टैंडअप इंडिया इति योजनान्तर्गतं जनाः उद्यम राशि निमित्तं वित्तालयेन ऋणं गृहीतुं शक्नुवन्ति। पोलैंड देशस्य ह्यूबर्ट हुरकेजः मियामी ओपन इति टेनिस स्पर्धां विजितवान्। अन्तिम स्पर्धायां इटली देशस्य जेनिक सिनराय एकस्मिन् संघर्षपूर्ण द्वन्द्वे 7-6, 6-4 इत्यंकैः पराजितम्। एटीपी मास्टर्स इवेंट इति स्पर्धा चक्रस्य आद्य विजेता पोलैंड देशीय क्रीडकः अस्ति। वार्ता संस्करणमेतत् सम्पद्यते अधुना। अभिनव वार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। भूयात् तावत् मंगलम्।